नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहा जाता है कि मूर्ख इंसान से दोस्ती करने की बजाय समझदार इंसान से दुश्मनी करना ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को इतनी समझ नहीं है, मगर रूस इस हकीकत को भली भांति समझता है। यही वजह है कि जब जाहिल मदरसा पैदाइश रूस को अपना दोस्त बताकर तहमत उछाल रही है, तब मास्को ने पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई कर दी है कि इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है। कार्रवाई भी ऐसी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती तक सहनी पड़ी है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा वो सूखा वृक्ष है जिसकी जड़ों तक लावा पहुंचने वाला है। उसकी हर सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कर्जों तले दबी हुई है और वह अपना वजूद बचाने के लिए भिखारी सरकार की तरफ दैन्य दृष्टि से देख रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी ऐसी कंपनी है जो इस वक्त भारी घाटे में चल रही है। अगस्त 2021 में मलेशिया ने पीआई का बोइंग 77 विमान पैसा नहीं चुकाने पर जब्त कर लिया था। अब रूस ने भी पाकिस्तान की सरकारी विमानन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। रूस की एविएशन अथॉरिटी ने पीआई के विमानों के रूसी स्पेस में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पाकिस्तान की पीआई का कोई भी विमान रूसी एयरोस्पेस से होकर नहीं गुजर पाएगा। खास बात यह कि दो दिन पहले पीआई के विमान को रूसी हवाई क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया था, जिसके बाद यह विमान यूरोप का चक्कर लगाते हुए करीब 8 घंटे की देरी से लैंड हुआ था। दरअसल पाकिस्तान की पीआईए रूस को उसकी हवाई सीमा से गुजरने का शुल्क नहीं दे पाई है। यह भुगतान कई महीनों से रुका हुआ है। रूस इसके लिए पाकिस्तान को कई बार आगाह कर चुका है। ऐसे में इस्लामाबाद से टोरंटो के लिए निकले पीआई के विमान को रूस ने अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद फ्लाइट को वापस कराची लाया गया, जहां से फ्लाइट ने रूस की बजाय यूरोपीय देशों के एरो स्पेस का इस्तेमाल किया और 8 घंटे की देरी से टोरंटो पहुंची। हालांकि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसके स्टेट बैंक को ओवरफ्लाइट क्लीयरेंस पाने के लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते हो रहा है। पर चौंकाने वाली बात यह भी है कि पीआईए के ऊपर यूरोप के कई देशों की एविएशन अथॉरिटी का हवाई शुल्क बकाया है। इन्हीं में पाकिस्तान का खास दोस्त तुर्की भी शामिल है, जिसका $1,37,000 पीआईए ने अभी तक नहीं चुकाया है। आपको यह भी बता दें कि प्रतिबंध लगने के बाद से रूस ओवरफ्लाइट फीस $3,500 तक वसूल कर रहा है, जिससे उसे अच्छा खासा लाभ हो रहा है। कंगाली में पंख फड़फड़ा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए यह एक बड़ी रकम है। हालांकि उसने यह बोझ ग्राहकों पर डाल दिया है, पर इससे पाकिस्तान में फ्लाइट के दाम बढ़ने से ग्राहक अन्य एयरलाइंस की तरफ भाग रहे हैं, जिससे सीटें पूरी न होने के चलते पीआईए को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब अगर उसने रूस के हवाई शुल्क का भुगतान नहीं किया तो उसे यूरोप का लंबा रूट तय करना पड़ेगा, जिससे टिकटों के दामों में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कोई भी पीआईए के उड़न खटोले में सवारी नहीं करना चाहेगा। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान स्टेट बैंक रूस को पैसा ट्रांसफर करने के जो बहाने गढ़ रहा है, वे किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की फ्लाइट बड़े आराम से रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रही है। ये विमानन कंपनियां रूस को हवाई शुल्क अदा करके ही उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए ही पैसे ट्रांसफर में दिक्कत का उल्हाना दे रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वह पूरी तरह कंगाल हो चुका है। वैश्विक बैंक उसके स्थानीय बैंकों की गारंटी भी मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से उसे कच्चे तेल आयात के लिए मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने चीनी बैंकों से $2,30,00,000,000 के कर्ज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसने यह कर्ज 5.6% की दर से लिया है, जिसे आज की तिथि में बहुत महंगा माना जा रहा है। काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नागरी ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को लीज पर दे सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आईएमएफ से भी $6 अरब का बेल आउट पैकेज लेने के लिए उल्टे सीधे फैसले लेकर मदरसा पैदाइश की तहमद मार्केट में उत्पात मचा रहा है। पर बार बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने के बाद भी इन जाहिल और कंगालों को शर्म है कि आती नहीं है। वह भी तब, जबकि इनकी मदरसा पैदाइश सरकार भीख का कटोरा उठाए द्वारे द्वारे अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।